भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को सही ठहराने के कोर्ट के फैसले का रिव्यू करने के लिए दी गई बीसीसीआई की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को बीसीसीआई को जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला सुनाया था, जिस पर बीसीसीआई ने 16 अगस्त को पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चैम्बर फैसला किया है। ये फैसला सीजेआई टीएस ठाकुर और जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने दिया। बीसीसीआई की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार करे और इसके लिए 5 जजों की बेंच बनाई जाए। ये भी मांग की थी कि बेंच में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर न हो। याचिका के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में सही नहीं है। जस्टिस लोढ़ा पैनल न तो खेल के विशेषज्ञ हैं और न ही उनकी सिफारिशें सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल का गठन कर एक तरफ से अपने फैसले की आउटसोर्सिंग की है। बीसीसीआई के लिए संसद में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। याचिका में ये भी कहा गया था कि चीफ जस्टिस ने इस मामले में अपना मन बना रखा है और वो बिना सुनवाई इस याचिका को खारिज कर सकते हैं। इस याचिका पर सुनवाई खुली अदालत में करने की भी मांग की गई थी। NMF News की रिपोर्ट।